आज की वीडियो जर्मन शेफर्ड के प्राइस के रिगार्डिंग है, उससे रिलेटेड है यार कि जर्मन शेफर्ड का प्राइस कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, और जो जर्मन शेफर्ड या किसी भी डॉग के ब्रीडर है या पेट शॉप के ओनर है या पप्पी बेचने वाले हैं, कुत्ते बेचने वाले हैं, ये बड़े परेशान रहते हैं कॉल से। कॉल आते हैं उसके बाद उधर से फ़ोन आता है ऐसा करके कि भैया मेरे को जर्मन शेफर्ड चाहिए, बड़का बड़का बाल वाला, लाल लाल रंग वाला, एकदम हाई क्लास का, जो 100 किलोमीटर दूर तक नहीं हो। तो ब्रीडर पूछता है कि कितना बजट है आपका। बोले बजट का कोई टेंशन नहीं है, आप बताइए ना कितना कितना में मिल जाएगा। नहीं, आपको बजट बताना पड़ेगा उस हिसाब से, क्योंकि जो जर्मन शेफर्ड पपी होते हैं ना, वेरिएशंस होते हैं, उसके क्वालिटी पे डिपेंड होता है प्राइस। बोले नहीं, अपना कोई दिक्कत नहीं है, अपना प्राइस का कोई टेंशन नहीं है, आप बताओ। तो फिर पपी बेचने वाला जो होता है, ब्रीडर हो या पेट शॉप का मालिक हो या ट्रेडर हो या पपी मिलर्स हो, ये बताते हैं कि भैया 50,000 से स्टार्टिंग होगा ऐसे बच्चे, जो 100 किलोमीटर के आसपास में शायद हो ना हो, ऐसे हाई क्लास का बच्चे जिसकी बॉडी एनाटॉमी अच्छी होगी, कलर डार्क होगा, अच्छे अच्छे मोटे मोटे पैर होंगे, ये मोटे मोटे ऐसे ऐसे करके बताता है। फिर उसको बोलते हैं 50,000, हाई इतना में बच्चा था इसमें जर्मन शेफर्ड, इतना में तो बाइक मिल जाएगा सेकेंड हैंड। तो ये जो चक्कर है ना, इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिसको भी जो भी लोग ये वीडियो देखे तो समझने की कोशिश करें। जैसे कपड़े, एक एक टी शर्ट शर्ट 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार के आते हैं और 250 रुपये में फुटपाथ में मिलता है। कार का भी वही चक्कर है, 4-5 लाख रुपये से लेकर के करोड़ों का कार होता है। उसी तरीके से जर्मन शेफर्ड के जो बेबी होते हैं या जर्मन शेफर्ड ब्रीड होते हैं, वो 4-5 हज़ार रुपये से स्टार्ट होकर लाखों करोड़ तक चले जाते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, क्या होता है प्रैक्टिकल ऐसा करके देखोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मैं 3-4 बच्चे एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ, वेरिएशन दिखाता हूँ, 20,000 से लेकर के 60-70-65 हज़ार तक के बच्चे एक साथ दिखाता हूँ। और नॉर्मल जो लोग होते हैं, जो कि मतलब ये पता नहीं होता उनको, या स्टडी उन्होंने नहीं किया होता है, या 2-4 बार खरीद के देखे नहीं होते हैं, उनको नहीं पता चल पाता है। सारे जर्मन शेफर्ड 5,000 वाले जर्मन शेफर्ड या 50,000 वाले जर्मन शेफर्ड, सारे जर्मन शेफर्ड उनको एक ही टाइप के लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ क्या देखते हैं, वो 4 हाथ पैर टांग देखते हैं, आँख देखते हैं, कान देखते हैं, कलर देखते हैं। उनको बॉडी एनाटॉमी, टेक्सचर, उसके जो फ्रंट बैक रियर एंगल क्या क्या, जो लेग्स में जो एंगल्स होते हैं, ये कुछ उनको समझ में नहीं आता। तो इस वजह से वो बोलते हैं, अरे भैया 10,000 का कुत्ता है, 50,000 काहे बोल ले हो, तभी पता चल जाएगा काहे बोल ले हो। दादू बाबू, मैं एग्जांपल रिलेट कर रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश करना। ये बड़ा पंगा डला हुआ है, बहुत टाइम से ब्रीडर भी परेशान होते रहते हैं। इसमें क्या होता है, इस चक्कर में क्या होता है कि जो सीरियस कस्टमर है उनको भी बदतमीजी का सामना करना पड़ता है। ब्रीडर जो है ना, सब सही तरीके से बात नहीं करते। अरे बाबू, तुम पहली बार में छक्का मार के ले गया, आ गया जी। और एक मिनट बाबू, अरे बउआ, पहली बार में तुम सबसे हाई क्लास का ले आया हो बच्चा। और एक मिनट, ये देखिए, ठीक है। अरे अभी तो चुम्मा चाटी कर रहा था, तुम फिर से करेगा। ये बच्चा है, इसका प्राइस है 50,000 से ज़्यादा, मतलब मोर देन 50,000। MRP नहीं होता है, एक एवरेज हम लोग ना प्राइस कोट करते हैं, ठीक है। अब इसकी एनाटॉमी वगैरह बताऊँगा, कैसी ये एनाटॉमी होगी, बोन्स वगैरह देख रहे हो, कान ऐसे सीधे करके दिखा दो, ओए ओए ओए, ठीक है। अब ये बच्चा इस टाइप का जो बच्चा होगा, अब ये शो विन करने के लिए एटीट्यूड से लेकर के खूबसूरती, अरे बाबू अभी बाल बड़ा नहीं हुआ है, अरे ठीक है, ये बहुत अच्छा बच्चा, हाई क्लास का बच्चा। अब इसको ले, एक मिनट, आराम से, हाँ। अब ये जो बच्चा आप लोग देख रहे थे ऐसे खेलने के लिए बड़ा, ये खेलता रहता है ना मेरे साथ, तो वो छटपटाता है। अच्छे से रखना, सुनो ना उसको, हाँ वहाँ पे रूम में डाल दो। अब ये बच्चा, ये 50,000 से लेकर के लाख रुपए तक में लोग सेल कर देंगे, इतना वेरिएशन। मैगी तो है नहीं, MRP कोड नहीं होता इसमें, तो एक रेंज होता है, एक रेशियो होता है। अभी मैं दिखा रहा हूँ, दूसरा लेके आओ तो बाबू, दूसरा वाला। ये लोगों को समझना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। मैंने कितनी बार वीडियो में बोला है कि पहले स्टडी करो, समझो, देखो, उसके बाद जाके करो। किसी उंगली मत करो किसी को, हैं 50,000 का कुत्ता होता है, 20,000 का कुत्ता होता है, अरे भाई करोड़ों का कुत्ता होता है। बाप रे, बच्चे का बाल मुंह में चला जाता है। ये कौन है?
वो देखे थे वो मोर देन 50,000 रुपीज़ का था, 50,000 से ज़्यादा का था। लाओ अब ये देखो, ये कुत्ता है ना 20 से 25,000 रुपये का, ये 20 से 25,000 रुपये का बच्चा, ये शांत था। अब उसका एटीट्यूड, उसमें बहुत ज़्यादा फायर था। अब ऐसे बाहर रोड पे रखो, शर्माता नहीं है वो डॉग, शो के लिए परफेक्ट था। टेम्परामेंट भी बहुत चीज़ होती है, टेम्परामेंट भी बिकता है। डॉग नॉर्मल रहेगा, प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस क्या कर रहा है डॉग, नॉर्मल नॉर्मल डॉग दिखने में लग रहा है, प्रोड्यूस बहुत अच्छा कर रहा है। मैंने देखा था, एक मेरा फ्रेंड है, नॉर्मल लैब्राडोर को उसने 50,000 रुपये में ख़रीदा था। नॉर्मल लैब्राडोर 10-15,000 में बिक जाता है। क्यों ख़रीदा था पता है? प्रोडक्शन बहुत, जिस फीमेल से भी वो उसका मेट होता था वो बहुत अच्छे पैदा करता था बच्चा, इसीलिए वो नॉर्मल बच्चा उसको प्रोडक्शन की वजह से 50,000 के आसपास में ख़रीदा। ये है 20 से 25,000 का एवरेज बच्चा, खूबसूरत है। अब इसको कोई ना 20,000 से ज़्यादा ही बेच सकता है, 40,000 बेच दे, 50,000 बेच दे। हम लोग क्या करते हैं, मापदंड अच्छे से मेजर कर लेते हैं कि बड़ा होकर एनाटॉमी कैसा होएगा, ठीक है। वो डॉग ये शो नहीं कर पाएगा, मतलब शो तो 5,000 वाला कुत्ता भी कर लेगा, शो रिंग में चले जाओ, मेन होता है वीन करने का, नाम कमाने का। अब इस डॉग से आप नाम नहीं कमा सकते, ये डॉग खूबसूरत है, प्यारा सा है, और हाँ और अच्छा लगेगा, बड़ा होकर अच्छा लगेगा। अब इसको 50,000 में जो बेचेगा वो बेवकूफ़ बना रहे लोगों को। और ले आओ दूसरा वाला, उसको रख दो अच्छे से। अभी मैं ना सबकी एनाटॉमी, अभी थोड़ा बदमाश बच्चे हैं, शैतान है, खेलते हैं। अभी क्या है ना, मेरा कैमरा वैमरा सब ख़राब कर देंगे, इसीलिए मैं फिर एनाटॉमी पे काम करूँगा। अभी एनाटॉमी के बारे में बताऊँगा कि देखो अभी पैसा इतना ज़्यादा क्यों लगता है। और मैं जितने डॉग्स को दिखाऊँगा, बहुत सारे लोगों को क्या होगा कि सारे डॉग एक जैसे लगेंगे, ठीक है। और जो लोग एक साल से या 6 महीने से काम कर रहे हैं, जो ब्रीडर से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, हाँ भैया इसका बच्चा दे दो, उसका बच्चा दे दो, उनको हल्का हल्का आइडिया लगेगा कि जो मैं 25,000 बोल रहा हूँ वो 25,000 का है, जो मैं 50-60,000 बोल रहा हूँ वो 50-60,000 का है, जो मैं 40,000 बोल रहा हूँ हाँ वो अप्रोक्स वो 40,000 का है आसपास में। हाँ यही ले लो, अल्ले अल्ले बाप रे बाप, ये ब्लैक फेस का बच्चा है। हाँ, ठीक है ठीक है, ले लो। अब ये बच्चा 40,000 के आसपास का है, खूबसूरत बच्चा है। अब इसको कोई 70,000 में बेच दे, ठीक है। ये बड़ा चल रहा है आजकल कि उसका बाप, उसका चचा इंपोर्ट है, दादा इंपोर्ट है, मंगल ग्रह से आया हुआ है, बृहस्पति ग्रह से आया हुआ है, ठीक है, तो उसका रेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, अभी देखो बहुत अच्छा क्वालिटी का है, इसमें फायर बड़ा अच्छा है, शो स्पेसिमैन है, बिल्कुल शो स्पेसिमैन है, शो स्पेसिमैन ये भी है, फर्स्ट नंबर पे था वो भी शो स्पेसिमैन था, लेकिन उसकी जो बॉडी एनाटॉमी, बोन्स वगैरह, ये स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा खूबसूरत, अट्रैक्टिव थे, ठीक है। इसीलिए इसका मैं इसको 40,000 के अराउंड कोट कर रहा हूँ। ले जा, ठीक है। अभी देख लिया आपने, 3 बच्चे मैंने दिखाए, छोड़ देना बाकी, मतलब 3 बच्चे मैंने दिखाए, पहले जो मोर देन 50,000 रुपीज़, उसके बाद आया सेकंड नंबर वाला, वो 20 to 25,000 के अराउंड था। अभी ये वाला आया, ये 40,000 के अराउंड का बच्चा है। 3 टाइप के बच्चे देख लिए, ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि मैं कभी फ्यूचर में दिखाऊंगा, वो 10-12,000 रुपये वाला भी होता है, ठीक है। अब उसको कोई 20,000 में बेच दे, अब फंसने फंसाने वाली बात है, कहाँ आपका जो है ना, जो मैं कहाँ पे फिट बैठता है आपका। अगर अच्छे जगह पे चले जाएँ, ईमानदार जगह पे, शर्माने वाले ब्रीडर के पास चले जाएँ, जो बेचारा सोचता है कि मैं कैसे कर दूँ गलत काम, सोचता है ना ज़्यादा लोग, ठीक है, उस वो ऐसा आदमी के पास चले जाओगे तो अच्छा चीज़ मिल जाएगा। आज जो ये सोचता है कि भाग भाग दे दो हटाओ, पैसा आ गया बाद में देखा जाएगा, तो फिर वहाँ जाके फंसोगे आप, ठीक है। यहीं पे वैसा ही हो रहा है। अभी बात समझ गए होंगे ना, प्राइस के बारे में बात, अब एनाटॉमी बता रहा हूँ कि एनाटॉमी इसका कैसा, उसका कैसा, उसका कैसा, लेके आओ तो फिर बड़े वाले को, जो मेरा टोपी उतार देता है बार बार। हाँ, अब उसका एनाटॉमी ऐसे, टॉप लाइन और एंगल्स, पैरों के एंगल्स, ठीक है, उसके बारे में अभी बताता हूँ, दिखाता हूँ मैं इसे ड्रॉ करके, तो फिर समझेगा कि 1,00,000 रुपये का चीज़ क्या है, 50,000 का चीज़ में क्या डिफरेंस होता है, 20,000 का चीज़ में क्या डिफरेंस होता है, वो दोनों को अभी ऐसा करके बताऊँगा मैं। समझने का दिक्कत है भाई, आँखों को खोलो, कंपेयर करना स्टार्ट करो। लुल्लू में अभी मत टोपी उतारना जी, बाबा टोपी मेरा उतार दे। अरे अरे अरे, ले ले ले, टोपी से खेलता है मेरा, टोपी से बच 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 बच, हो गया हो गया। देखिए इसका जो है ना, ये मेरे को लगता है स्टैक लगाने नहीं देगा, स्टैक लगाने नहीं देगा, इसके बाद में एक सिंगल स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं, ड्रॉ करके बता देता हूँ कि इसकी एनाटॉमी कैसी है। ओ ओ ओ, ठीक है बाबू, चलो 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 जा। ये देख लिया मैंने, इसका इसका भी एनाटॉमी ड्रॉ करके बताता हूँ मैं, ठीक है। ले जाओ उसको, ले जाओ।
बस बस 2 मिनट में आया बाबू, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा एनाटॉमी देख लियो। हाय हाय हाय, एडिट पेडिट नहीं ना करता हूँ ऐसा था, वेट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी वाला, कि जो नॉर्मल जो लोग हैं, नॉर्मल लोग कहने का मतलब कि जो ऑलरेडी इसके बारे में उतना ज़्यादा नहीं जान रहे, वो भी देख लें। अभी जो बच्चा पहले नंबर पहले वाला बच्चा जो बता रहा था ना कि एनाटॉमी टॉप लाइन क्या होता है, तो वह देखने की कोशिश करना, ठीक है, ऐसा करके देखो। ये उसका नेक हो गया, ठीक है, और ये पैरेलल बॉक्स बना दे रहा हूँ मैं, जिसके बीच में पॉज और टॉप लाइन होगा। तो इसका जो टॉप लाइन जाएगा ये ऐसे करके जाएगा, ऐसे दुम होके ऐसे निकल जाएगा। आ देख लो, ये नेक, ठीक है, ये विदर पॉइंट, और ये टॉप लाइन जो हम लोग बोलते नहीं एंगुलेशन वाला एंगुलेशन वाला एंगुलेशन वाला, ये स्लाइटली ऐसे स्लाइड होगा, बिल्कुल ऐसे स्लाइड, ठीक है, ये एंगल बनाता है इधर, ठीक है। और ये जो मेन होता है ना, ये वाला, ये जो खूबसूरती के लिए जो मशहूर है अपने एंगुलेशन वाले जर्मन शेफर्ड होते हैं, टॉप लाइन, इसको मेनली टॉप लाइन कहते हैं, इधर टॉप लाइन। एंगल वगैरह पैरों में होता है, एंगल ये निकालते हैं, एंगल नाक के पास स्टॉप से भी निकाल सकते हैं, वो बाद में बताऊंगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये दिख रहा है ना भाई, ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो चीज़ है। और दूसरा स्ट्रेट बैक वाला वो लेके आओ, नॉर्मल वाला जो जो सेकेंड नंबर पर निकाला था, ये इस चक्कर में, ठीक है, ये ध्यान रखना, दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखो, ये पैरेलल लाइन शो हो रहा है इसके पॉज से। ये पीठ वाला जो टॉप लाइन होता है ना, बैक बैक उसके पीठ का बता रहा हूँ मैं, ये स्ट्रक्चर ये देगा, स्ट्रक्चर बिल्कुल कर्व्ड, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नॉर्मल जो 20,000 का बता रहा हूँ, अब मैं दोनों को कंपेयर कर दूंगा। आ देखो, इधर इधर लाओ, इधर पीछे में लाओ, पीछे में लेके आओ, पीछे में लेके आओ, हाँ, ये बेबी इधर उठा उठा, ये बेबी जो मैंने बोला था इधर लेकर, ये बेबी जो मैंने बोला था 20,000 का है, ठीक है। अब इसका एनाटॉमी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसी के पास में, ले जाओ इसी के पास में, उसका दोनों को कंपेयर कर लेना, फिर देख लेना। भाई पेपर पेन है नहीं भाई, बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। ये इधर ये नेक हुआ, ठीक है, और ये पैरेलल लाइन शो करेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसका जो टॉप लाइन होगा वो ऐसे टॉप लाइन होगा, ऐसे जाके ऐसे हल्का सा क्रूप होता है यहाँ पे, हल्का सा क्रूप होगा, फिर टेल ऐसे आ जाएगा, ये टॉप लाइन हुआ, ठीक है। ये एंगल देख लो, ये विदर पॉइंट, ये नेक, ये हल्का सा क्रूप, ये टेल, ठीक है। अब ये टॉप लाइन, अब दोनों का कंपेयर कर लो, ठीक है। ये देखो, ये लाइन जो है, ठीक है, ये लाइन देख लो, ये जो प्योर जर्मन शेफर्ड यही होता है, लेकिन आजकल पैसा इसमें नहीं मिलेगा, पैसा किस में मिलता है, ये इस एनाटॉमी में मिलता है, देख लो इस एनाटॉमी में। अब बात समझ में आ गया कि 1,00,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000, 40,000, बहुत वेरिएशंस है, बहुत वेरिएशंस है। इसमें अगर वीडियो बनाऊंगा तो 1 घंटा ज़्यादा टाइम लगेगा मेरे को। तो रेट का अभी जब भी किसी ब्रीडर को फ़ोन करना, किसी पेट शॉप ओनर को फ़ोन करना, पहले समझ लेना, स्टडी कर लेना कि आखिर वो 50,000 क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। अगर और ये ऑनेस्ट ब्रीडर पेट शॉप के बारे में बता रहा हूँ, वो नहीं, उन्होंने खुद का नहीं पता है कि 10,000 का है कि 50,000 का, उनके बारे में बात कर रहा हूँ, बात उनके लिए कर रहा हूँ जो ओरिजिनल काम कर रहे हैं, जो ब्रीड करवा रहे हैं या अच्छी ब्रीड को सेलेक्ट करके तैयार करके सेल कर रहे हैं, ठीक है। सेलर पपी मिलर या कोई गलत काम नहीं है, ये गलत लोग नहीं होते हैं, ये अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी काम है। पहले भी मैंने बताया कि अच्छे ब्रीड को उठाना, तैयार करना, फिर उसके गुणवत्ता के हिसाब से, उसके प्योरिटी के हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से रेट को निर्धारित करना, उसके बाद सेल करना कि हाँ ये 40,000 है, इसको 1,00,000 में नहीं सेल करना है, ये 20,000 का बच्चा है। देखो 20,000 का बच्चा कितना हैवी लग रहा था, हाँ दोनों को लेके आओ। तो देखो अभी कंपेयर करवा देता हूँ मैं, ठीक है, कितना हैवी लग रहा था दोनों, थोड़ा सा का अंतर है, लेकिन जैसे ही बड़ा होगा ना तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है, बहुत वेरिएशन। हाँ दोनों लेके आओ, वो वाला सेकेंड नंबर पर उतारे थे और वो वाला दो, देखो जो साथ में दिखा रहा हूँ मैं, इसीलिए साथ में बच्चों को दिखा रहा हूँ मैं, कि साथ में देख के समझने की कोशिश करो कि
हाँ वो भी निकाल लो। हाँ आजा 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 आजा, कहाँ भाग रहा है? हाँ उसको भी आजा आजा आजा, अरे आराम से आराम से आराम, एक आराम से पकड़ लो, उठा लो उठा लो उठा लो, आराम से उठा लो, अले 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 उठा लो, हाँ इधर भी उठा लो, बस दो मिनट तकलीफ दूंगा बाबू, दो मिनट तकलीफ दे रहा हूँ, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ ना, हाँ हाँ देखो देखो अभी देखो, ये 20,000 वाला है ठीक है, अब ये देखो ये 50-60,000 वाला बच्चा है ठीक है। बहुत लोगों को ना एक जैसा लगेगा बच्चा, लेकिन एक जैसा बच्चा है नहीं, बहुत डिफरेंट है, फेस से भी देख सकते हो, देखो जिन बहुत लोगों से नहीं 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 बेबू बेबू बार इधर 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 हूँ ठीक है, फेस से भी समझ सकते हो, शॉर्ट मजल ठीक है, बोन्स में कलर में क्वालिटी अभी, हाँ ले रख दो बहुत शैतान है, ओए ओए क्या कर रहा है, बस 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 जाओ जाओ, ओए ओ डो 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 डो, नहीं पता है ये बहुत समझने वाली चीज़ है भाई, अभी क्या है स्टैक लगा के करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत परेशान करते हैं बच्चे ये सब, खेलते हैं ना, खेलने बड़े हो गए ना, खेलना चाहते हैं तो समझ लेना प्राइस के बारे में। बाप रे 16 मिनट हो गया भाई आज, अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वो बताऊँगा स्ट्रक्चर वगैरह लाइव दिखाऊँ, जैसे मैंने ऐसे ड्रॉ करके दिखाया तो शायद समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं स्ट्रक्चर दिखाऊँगा रिलेट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में अपनी, ध्यान से देखना, बिल्डर लोग परेशान हो जाते हैं, वो सबसे बात नहीं कर पाते हैं भाई, मेरे कितने दोस्त लोग बोलते हैं कि भाई बात करने का मन ही नहीं करता है, 50,000 बोलता हो तो हालत ख़राब हो जाती है, फिर बाप का फ़ोटो भेजो, पेरेंट का फ़ोटो भेजो, अब फोटो वगैरह भेज दो, मंगाने के बाद फिर ठंडा पड़ जाता है, फ्रिज में जाकर बैठ जाता है, तो इससे अच्छा ऐसा काम ही मत करो, क्वालिटी के बारे में समझो उसके बाद फ़ोन करो ठीक है।